हर साल वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम शहर के कोठी कंपाउंड के समीप हुआ, जहां भगवान गौतम बुद्ध की भव्य प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इस दौरान बुद्ध वाटिका का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान बौद्ध समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। बताया गया है कि आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। भगवान बुद्ध ने दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलना सिखाया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की तीन अहम बातें, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का निर्वाण के कारण भी विशेष तिथि मानी जाती है। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आज हम भगवान गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी यादें ताजा रखने के लिए यहां पर आज भगवान गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया, साथ ही उनके नाम से बुद्ध वाटिका का भी लोकार्पण किया गया है। ये बुद्ध पूर्णिमा जन्मोत्सव कार्यक्रम था, वाटिका का बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा पहले थी उसका विकास करते हुए सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज यहाँ पर जो ये लोकार्पण हुआ है उसको लेकर सभी के मन में बड़ी प्रसन्नता है। भगवान बुद्ध ने भोजन कक्ष के प्रभारी कृपया ध्यान दें, मानवीय गुणों भोजन के लिए समय हो चुका है। मानवीय गुणों के विकास के लिए उसको आत्मसात करने के लिए जो कठिन तपस्या की और एक राज परिवार में जन्म लेने के बाद इतनी बड़ी तपस्या करके मनुष्य को सही दिशा में ले जाने के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, इसीलिए आज उनको भगवान बुद्ध के रूप में लोग याद करते हैं। उनकी स्थापना से निश्चित रूप से सभी को प्रेरणा मिलेगी कि अपने जिम्मेदारियों का एहसास लोग दूसरों के दुख दर्द को दूर करने में करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असली जीना तो उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जीना सीखे। ये जो प्रेरणा भगवान बुद्ध को देखकर हम सबको मिलती है, उसका विकास की, उसके विस्तार की आवश्यकता है। वाटिका भाई साहब, ये पुरातन समय से है यहाँ पे, ऐतिहासिक प्रतिमा है हमारी, और आज तभी नहीं तो 12-15 साल हो रहा है जब ये प्रतिमा मिली थी, खोज खबर हुआ और उसके लिए यहाँ शासन प्रशासन से बात रखी गई कि भगवान बुद्ध और बुद्धिस्टों के लिए भी कहीं पे स्थान होना चाहिए। तो फिर तत्कालीन उस समय जो SDM थे उनसे उनके साथ में मीटिंग करके उन्होंने बोला कि भाई आपकी प्रतिमा है, आप कहाँ पे रखवाना चाहते हैं। फिर बात हुई तो यहाँ पे वो प्रतिमा पुरानी हमारी रखी गई। तब से ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग मना रहे हैं।